आप कह रही हैं कि युवाओं को लगता है कि यही पार्टी हमारी हमारे लिए सबसे बेहतर पार्टी है वहाँ दूसरी तरफ जिस पार्टी को आप छोड़कर आई हैं वो कहते हैं कि हम खुद युवा नेता हैं और हम युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे साथ युवा जुड़ रहे हैं तो मैं और वो क्या? तो मुख्यमंत्री तो, को बाबा मुख्यमंत्री बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ मैं क्या बुद्धि हूँ मेरे साथ जो और भी लोग आए क्या वो बुजुर्ग है हम लोग तो जो हम लोग तो सब कुछ छोड़ करके आए हैं पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टी का विचार बढ़ाने के लिए और हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी वो क्या कोई बुजुर्ग हैं वो तो युवा हैं और उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया एक बहुत यंग एज में एक साधक की तरह अपना जीवन जिया है जिस व्यक्ति के नाम में ही योगी हो वो आप सोचिए ना कितना ज़्यादा उसने त्याग किया होगा उन पर तो सबसे ज़्यादा हमला होता है बाबा मुख्यमंत्री और बाबा मुख्यमंत्री के अलावा भी, भी, और तमाम हमले उन पर जो जो भी विपक्ष होगा उसका काम यही होता है कि वो हमला करते रहें जिससे वो खुद राजनीति में गर्म रहें पर आदरणीय महाराज जी का जहाँ तक सवाल है मैं बहुत ज़्यादा उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है मुझे और मैं ये भी समझती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने ना अपने पास्ट को छोड़ा है कहने का तात्पर्य यह है कि राम मंदिर का आंदोलन महाराज अवैधनाथ जी के डायरेक्शंस में शुरू हुआ था और राम मंदिर का आज निर्माण हो रहा है और ना इन्होंने कल की जो सोच है यानी जितने कॉलेजेस हैं चाहे पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस बने हों चाहे मेडिकल फील्ड में कॉलेजेस बने हों ना इन्होंने कल को छोड़ा है तो ये एम जो है ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी में देखने को मिलता है आज तक मैंने नहीं देखा कि ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बना हो जिसने ना अपने संस्कार छोड़े हों और ना कल की चिंता छोड़ी हो नहीं, जी तो आपके तो परिवार में मुख्यमंत्री हुए हैं पहले मुलायम सिंह यादव जी भी मैं मुख्यमंत्री मैं तो कह रही हूँ कि बाबा जी जितना अच्छा मुख्यमंत्री तो तो वो, कोई नहीं वो हुआ। भी नहीं थे ऐसे मुख्यमंत्री सिर्फ बिल्कुल जी नहीं जी ऐसे थे मुख्यमंत्री बिल्कुल बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ देखिए मैं तो सबसे पहले एक हिंदू राष्ट्र में एक हिंदी बोलने वाली व्यक्ति हूँ और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि राम मंदिर बने और मैंने सबने देखा कि मैंने जो है राम जी के लिए चंदा भी दिया अब आप इसको कुछ भी किसी रूप में देख लें पर मैं ये जानती हूँ कि जिस तरह से डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने अपने पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ी ये एक बहुत बड़ी बात है सत्ताईस मेडिकल कॉलेज दिए करीबन उनतीस आपकी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बने हैं इस कोविड के पीरियड में पूरा विश्व चरमरा गया एजुकेशन सिस्टम उसका मगर इन इंडिया स्पेशली इन उत्तर प्रदेश जब ये सारे कॉलेजेस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाबा जी ने इस बात का बहुत ध्यान रखा है तो, कि तो, हमें एजुकेशन पे फोकस करना तो, चाहिए इसे आप इस तरह से कह रहे हैं कि धर्म संस्कृति को नहीं छोड़ा है और उसके साथ विकास किया है बिल्कुल। और इस वजह से ये जो ये जो मेल है ये इस, ये इससे पहले कहीं नहीं देखा गया बिल्कुल।, बिल्कुल तो इसी वजह से मेरा ये सवाल था कि ये तो संस्कृति को धर्म को क्या अखिलेश यादव नहीं मान रहे थे मुलायम तो, सिंह यादव तो नहीं तो मान रहे थे अपनी पार्टी के बारे में बात करने आई हूँ ये अगर आप उनके बारे में पूछ तो तो लोगों से पूछिए जो उनकी पार्टी मैं आपने के तौर पर बारे में मैं कह रही हूँ ये बात ना उन्होंने कल को छोड़ा ना उन्होंने पुराना चीजें छोड़ी वो वर्तमान की राजनीति के साथ बिल्कुल धार देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं के प्रोग्रेशन के लिए बहुत सोचते हैं तो इट इज अ कमेंडेबल थिंग ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी मुख्यमंत्री पहले में था जी लेकिन यहाँ जब आप आई हैं तो आपका क्या मकसद है आप क्या हासिल करना चाहती हैं वो भी हम समझना चाहेंगे मेरा मकसद कि, सिर्फ इतना है कि आप है? जितने क्वेश्चंस मुझसे पूछे उनका उत्तर अच्छे तरीके से दे दूं <laughs> नहीं आप आप बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दे रही हो और सिर्फ मेरा ही नहीं आपसे तो मुझसे पहले बहुत लोग सवाल और बहुत मुश्किल सवाल सब पूछते रहे हैं और आप सबका बहुत बखूबी जवाब देती हैं लेकिन दरअसल राजनीति में हासिल क्या करना है अपर्णा यादव को राजनीति में देखिए मुझे सबसे ज़्यादा क्योंकि मैं हमेशा चिंतन मेरा महिलाओं के काम पर रहा और आ, मैंने बहुत काम किया इस फील्ड में जब 2012 में क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ आया एंटी रेप लॉ भी जिसको कहते हैं उसके आ, बारे में बात करना और उसका प्रचार प्रसार करना ये मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था जिसको हमने करीबन 25 डिस्ट्रिक्ट में करा और बहुत साढ़े तीन लाख बच्चियों के साथ हमने ये प्रोग्राम किया है जिसमें हमने उनको बताया कि आप थाने जाइए मैं कितने स्कूल्स को थाने ले गई हूँ लड़कों को भी ले गई हूँ लड़कियों को भी ले गई हूँ ज़्यादातर उसमें गर्ल चाइल्ड होती थी एंड द प्रोग्राम वॉज स्पेशली डिवाइज आउट फॉर एट्थ टू क्लास ट्वेल्थ गर्ल्स कि अपनी ये सीखें बच्चे कि पुलिसिंग सिस्टम कैसे होता है हमारे देश में किस तरह से इनक्रेज किया जाए बच्चों को कि हम कहाँ कैसे एफ़ लिख सकते हैं और हमारी हया की क्या है पुलिस सिस्टम की और मैं तो आगे भी इसी चीज़ पर काम करना चाहती हूँ ये मैं जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मैं ये सारी बातें रखूँगी अपने सीनियर लीडर्स के सामने अब अभी अभी आपने नहीं बताया कि आप क्या नहीं ये सब बातें पता है उन्हें बट अभी क्योंकि हमारा चुनाव चल रहा है तो चुनाव के बीच में इट्स अ वेरी मैसिव वर्क बहुत बड़ा काम है ये क्योंकि एक एक बच्चे को लेकर के चलना ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी योजनाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए स्पेशली तो मैं ये चाहती हूँ कि चुनाव के बाद मैं डिटेल्ड इसकी प्रोजेक्ट बात करूँ जी कोरोना धर्म नहीं देखता जात नहीं देखता अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देता है लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए बस इतना कीजिए जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा भूलिए मत कोरोना अभी जिंदा है